अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जमहूरियत में बुलेट से ज़्यादा बैलेट की ताकत होती है, अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू का हन्नम कुंडे में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। रियासती वजीर के टी आर ने हल्के असम्बली मुशीराबाद पहुँच कर तामीरी कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर की अचानक आमद पर मुकामी कायदीन और जी एच एम सी अमला हैरतज़दा। रियासत तेलंगाना में इख्तदार हासिल करने के लिए बीजेपी की हिकमत अमली, मरकजी वजीर दाखिला 12 मार्च को करेंगे रियासत का दौरा। टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन के बारे में सेंटर टीम जायजा लेगी। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के कायदीन तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ, मुतालिका हलकों एंड डिवीजन्स में इकदामात जारी। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा और नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस महिला मोर्चा ने मुनज़िम किया धरना। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला KCR के खिलाफ की गई नारेबाजी। 40 करोड़ की लागत से MNJ कैंसर हॉस्पिटल के नए ब्लॉक की तामीर मुकम्मल, 13 मार्च को किया जाएगा इफ्तिताह। रच्चाकुंडा पुलिस ने हीरोइन की मुंतकली और खरीदो फरोख्त के रैकेट को किया बेनकाब, 3 अफराद जेर हिरासत। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने हनम कुंडा में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि जमहूरियत में बुलेट की ताकत से ज़्यादा बैलेट की ताकत होती है, इसलिए हमें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना में चंद दिन से जारी खुदकुशी के वाक़ियात पर तश्वीश का इजहार करते हुए बताया कि वाक़ियात बच्चों से लेकर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद तक महज किसी भी तनाव को लेकर हो रहे हैं, इसलिए अपने इस जहनी तनाव पर काबू पाने के लिए हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर योगा पर तवज्जो देनी चाहिए। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा कि वो अंग्रेज़ी से ज़्यादा तेलुगु ज़बान को फौकियत दें। मन शरीरा मन अरीर अंटे मन अच्छे मन అటువంటి తిరుగుతాడు ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం పిల్లలు మానసిక రుగ్మతతో బాధపడుతున్నారు పత్రిక తిరగవేస్తే రోజు బాధ ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఈ అబ్బాయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఏది కారణం అంటే డిప్రెషన్ దేనికి డిప్రెషన్ కారణం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు సమాజంతో కలిసి జీవించడం లేదు శారీరక శ్రమ చేయడం లేదు ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం లేదు తల్లిదండ్రులతో సరైన సమయాన్ని గడపడం లేదు దాంతో పాటు అధ్యాపకులు తగినంత శ్రద్ధ తీసుకోవడం లేదు అనేది మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది గురుకుల सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा राजन्ना सिलसिला में जारी है, लेकिन आज उस वक्त यात्रा के दौरान एक हादसा पेश आया जहां रुकने पार्लियामेंट के कारों का काफिला खुद आपस में ही टकरा गया। इस वाक़े में दो कारों को शदीद नुकसान होने की भी इत्तला मिली है। रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े के बावजूद भी अपनी पदयात्रा जारी रखते हुए आवाम से मुलाकात की, जबकि इस मौके पर साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और दीगर कायदीन उनके हमरा मौजूद थे।
वजीर बल्दी नगम नक्स के टी रामा राव ने हफ्ते के रोज़ अचानक मुशीराबाद हल्के असम्बली पहुँच कर वहाँ पर हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तामीरी कामों का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने आवाम से भी मुलाकात की और आवाम के मसाइल की जानकारी हासिल की। रियासती वजीर के टी रामा राव के अचानक दौरे से न सिर्फ मुतालिका रुकन असम्बली एम गोपाल और कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी हैरतज़दा रह गए, बल्कि जी एच एम सी के अहदेदार भी बोखलाहट का शिकार नजर आए। उस वक्त आवाम ने के टी रामा राव के दौरे का खैर मकदम किया और अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। वजीर पंचायत राज ई दया करो ने हनमकुंडे में योगा सेंटर और से रोज़ा योगा महोत्सव का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम अजला और हर असम्बली हलके में योगा सेंटर्स कायम करने को मंजूरी दी है, क्योंकि मौजूदा दौर में कोई भी फ़र्द बग़ैर तनाव के नहीं है। उस तनाव और टेंशन को दूर करने के लिए योगा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के दौरान भी डॉक्टर्स ने वर्जिश और योगा करने की आवाम से अपील की थी। इस मौके पर गवर्नमेंट वेप विनय भास्कर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। Breathe in slowly, come up with small bouncing movement. Whew. Don't forget to smile and enjoy the practice. And breathe. साबिक रुकन असम्बली बीजेपी एन वी एस प्रभाकर ने बताया कि तेलंगाना में 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक बूथ सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में मीटिंग्स का इनेखाद अमल में लाया जाएगा, जबकि पार्टी को आने वाले असम्बली इंतखाबात में इख्तदार पर फायज करने के लिए कौमी और रियासती कायदीन सरगरम है। 12 मार्च को मरकज वज़ीर दाखला अमित शाह रियासत का दौरा करेंगे और सरकारी प्रोग्राम्स के अलावा पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए आइंदा के लाहे अमल को खतियत दी जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने और आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी को 90 नशिस्तों पर कामयाबी से हमकनार करने के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार की है। ज़राए के मुताबिक अमित शाह ने रियासत भर में पार्टी कायदीन पर नज़र रखने और पार्टी कायदीन की अवामी मकबूलियत का जायज़ा लेने के सिलसिले में सेंटर टीम तश्कील दी है और यह सेंटर टीम आने वाले इंतखाबात में पार्टी टिकट देने के सिलसिले में जिस कायद की सिफारिश करेगी उसे ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी का हर कायद अपने आप सरगर्म रखने की कोशिश कर रहा है। सदर तेलंगाना कांग्रेस महिला मोर्चा सुनीता राव की क़यादत में हफ्ते के रोज़ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के लिए ऐलामिया जारी करने और गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ सैकड़ों ख्वातीन ने धरना देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर के खिलाफ नारेबाजी की। सुनीता राव ने बताया कि मोदी और KCR दोनों ने नौजवानों को मुलाजमतें देने का वादा करते हुए इख्तदार तो हासिल कर लिया, लेकिन इस पर अमल आवारी नहीं की गई। उन्होंने रुकन खान साहस कौंसल के कविता पर भी तनखीद की। इस दौरान महिला कांग्रेस कारकुनों और पुलिस के दरमियान कुछ देर तक बहस व तकरार भी देखी गई, जबकि पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जाम, बंद
ఎంపీ సంజయ్ గారు ఎక్కడున్నా బయటికి రావాలి. మీ మీ ప్రధానమంత్రి కళ్ళు తెరవమని చెప్పండి. మహిళలు బతకలేని పరిస్థితి, ఒక పక్కన రక్షణ కరువు అయింది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఇద్దరు తోసుకుంటున్నారు. ఈ రోజు వ్యాట్ జిఎస్టీలు మోదీందే, మోదీ 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 జనాలందరినీ మోదించుకుంటా. ఈ రోజు 355 మీరు ఎట్లా ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు? 15 లక్షలు ఏ ఖాతాలో పడలేదు. మరి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాలో బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పాలా, అక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పాలా? ఆడేమో నోటిఫికేషన్ ఇస్తాడు, ట్విట్టర్ పిట్ట కేటీఆర్ అలా కూర్చుంటాడు. వాళ్ళ అయ్యా మాట్లాడతాడు, ఫామ్ హౌస్ నుంచి తాగి బయటికి వెళ్ళడానికే టైం లేదు. ఏ కల్వకుంట కవితమ్మది అయితే చెప్పలేనమ్మా, సిలిండర్ది నీకేమి తెలియదు. ఎందుకంటే లిక్కర్ స్కామ్లో చాలా పెద్ద పాత్ర ఉంది తమరిది. దోసుక తిన్న సంపద సరిపోలేదని చెప్పేసి అని ఈరోజు వాళ్ళేమో అటు దోసుక తింటున్నారు, వీళ్ళేమో ఇటు దోసుక. స్టేట్ సెంటర్ గవర్నమెంట్ రెండు కూడా దోసుక తింటున్నారు. కాబట్టి సిలిండర్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పి ఈరోజు 1155 రూపాయలు ఉంది. మళ్ళీ ఇంకా సిగ్గు లేకుండా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోయి సబ్సిడీ ఇవ్వడు. సీఎం కేసీఆర్ సబ్సిడీ ఇవ్వకుండా సబితా ఇంద్రారెడ్డి అమ్మ మాట్లాడుతుందమ్మా. ఈమె మాట్లాడుతుంది సబ్సిడీ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి. మరి ఆయన ఎందుకు ఇస్తలేడు? బీజేపీ పార్టీ అంటే ఓకే, ఆయన పెంచుతున్నాడు. రేపు పొద్దున ఎవడు కుదుతాడు బీజేపీ పార్టీ కోటు? ఎవడిస్తాడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోటు? ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఈరోజు పేద ప్రజలు పొట్టగొడుతూ మహిళను బ్రతకలేకుండా ఈరోజు దుఃఖ పుట్ట MGN कैंसर हॉस्पिटल के लिए तामीर किया गया नया ब्लॉक का इफ्तिताह 13 मार्च को किया जाएगा. रेड हिल्स रोड पर तामीर किए गए इस ब्लॉक की लागत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि इसमें 300 बेड्स की गुंजाइश मौजूद है. इस ब्लॉक का आगाज़ के साथ ही MNJ हॉस्पिटल में जुमला बेड्स की तदाद 700 हो जाएगी. MNJ हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर जया ललिता के मुताबिक तमाम कामों को अंदरून एक हफ्ता मुकम्मल कर लिया जाएगा. तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि मरीजों की बढ़ती तदाद के पेश नज़र इसी इलाके में मज़ीद 2-3 एकड़ अराजी इस दवाखाने की तौसी के लिए मख्तस की जाएगी. तवक्को है कि रियासती वज़ीर हरीश राव और दीगर वज़रा इस नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ پیدل دورے کرتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کو یقینی بنا رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کو کم پریشر سے چھوڑے جانے کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کے غرض سے DGM واٹر ورکس جوہر علی کے ہمراہ دورہ کیا. انہوں نے گھر گھر جا کر اس سلسلے میں شکایتیں وصول کی اور عہدیداروں کو جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا. اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے. मोटर लगा मोटर बंद करो बंद है. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں پیدل دورے کرتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کو یقینی بنا رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت مجلسی نمائندہ ڈویژن کارپوریٹر سلیمان نگر ڈویژن نواز الدین احمد نے ڈویژن کے علاقے میں واقع حبیبیہ مسجد کے کاموں کو شب برات کے پیش نظر یقینی بنایا. انہوں نے عہدیداروں سے سلسلے میں نمائندگی بھی کی تھی تاکہ جلد از جلد کاموں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے. اس موقع پر ان کے ہمراہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے.
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में पैदल दौरे करते हुए तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने डिवीजन के इलाके ओवेसी हिल्स में ज़ेर तामीर सीसी रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। मस्कूरा काम की लागत तकरीबन 20 लाख रुपये बताई गई है। मोहम्मद मुबीन ने अहदेदारों से कामों की पेशरफ्त के बारे में भी तफसीलात हासिल की और हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने आरबीआई की जानिब से मुनज़िम करदा जन भागीदारी ट्रेन के रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। आरबीआई रीजनल डायरेक्टर के निखिल ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया और इस रन के इनखात के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि आवाम में मुआशी सूझबूझ के सिलसिले में शऊर बेदार करने और मुल्क को हासिल हुई G20 की सदारत के जश्न के सिलसिले में मस्कुरा रन का एहतमाम किया गया। पीपल्स प्लाजा निकलस रोड पर इस इवेंट में आवाम बिलखसूस तलबा बरादरी और सरकारी मुलाजमीन की कसीर तदाद ने हिस्सा लिया। चोटूपल पुलिस ने बाबा सुखदेला पर कार्रवाई करते हुए गांजे के स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 400 किलो गांजा जुमला मालियती 1,50,00,000 रुपये भी जब्त किए। मस्कुरा गांजा आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से हैदराबाद और महाराष्ट्र के शहरों को मुंतकिल किया जा रहा था। मुजरिमीन के कब्जे से 1 DCM, 1 मोटरकार और मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त किए गए। ऊपर जो हमारे राष्ट्र प्रभुत्वम का, राष्ट्र पुलिस का और राचाकुंडा कमिश्नरेट की जो नज़र है, उसी के तहत हम लोग लगातार हमारी लोकल पुलिस और SOT कहीं भी किसी कोने में भी ड्रग्स नहीं रहना, इस इरादे से काम कर रहे हैं। और इसमें खास तौर से हमारी नज़र ऐसे बड़े बड़े गैंग पे है, बड़े बड़े नेटवर्क पे है कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी के तहत हमारे ACP छोटूपल उदय साहब ने एक हफ्ते दो हफ्ते से एक इन्फॉर्मेशन इनको थोड़ी सी आई थी, उस पर काम करते हुए एक दो बार ऑब्जर्व करते हुए उसके बाद में लास्ट 48 घंटे कंटिन्यूस काम करते हुए एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसाइनमेंट पकड़ा गया है। तकरीबन 400 किलोग्राम गांजा जो कि आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा था, उसमें कुछ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ क्वांटिटी थी और वो एक बेहद ही अजब तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, बेहद मतलब खुफिया तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में गांजा और इस तरीके से ले जाना तकरीबन फर्स्ट टाइम ही देखा गया है। इसमें इन्होंने एक DCM व्हीकल को कम्प्लीटली मॉडिफाई किया, उसके साइड से एक्स्ट्रा फिटिंग्स लगा के एक नीचे पूरा एक हॉलो स्पेस, एक खाली जगह क्रिएट की, उसके ऊपर से कंटिन्यूस जैसा नॉर्मल आइशर का जो रहता है
जो जैसा नॉर्मल आयशर का जो रहता है, देखने में देखिए जब ये गाड़ी पकड़ी गई तो इस तरीके की दिख रही थी, जो आप देख सकते हैं कि इसमें पॉलिथीन लगा हुआ है, कभी किसी को शक नहीं आएगा। ये सब हटाने के बाद भी एक नॉर्मल आपको जैसा फर्श नजर आता है वैसा दिखाई देगा। उसके बाद हमारे लोगों को डाउट आके साइड में देखिए, एग्जामिनेशन करने के बाद, एक्स्ट्रा फिटिंग्स देखने के बाद में जब उसकी एक फॉल्स फ्लोरिंग को खोला गया तो उसके अंदर से बहुत बड़े क्वांटिटी में, बहुत बड़े मात्रा में ये 400 गांजा बरामद किया गया, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 1.5 करोड़ है। और उसके मुतालिक एक पायलट में भी ये लोग बैठे हुए थे कि एक क्रेटा गाड़ी में आगे आगे पायलट में जाते थे, जिससे कि पुलिस की अगर जरा सी भी हलचल इनको यूनिफॉर्म पुलिस की दिखाई दे तो तुरंत ये गाड़ी को अलर्ट कर देते थे, वो गाड़ी वहीं से वापस हो जाती थी या कहीं साइड लगा के रुक जाते। तो इसलिए पकड़बंदी से एजीपी साहब ने डीसीपी साहब के गाइडेंस में ऐसा प्लान किया कि पायलट के पास होने तक कोई पुलिस वाले नजर नहीं आए। थोड़ा आगे जाने के बाद जब मेन पुलिस पार्टी थी, पायलट को भी पकड़ लिया गया, साथ में इसको भी पकड़ दिया गया, उसके बाद से ये किया इसमें। और खास बात यह है कि पकड़ने के तकरीबन 1 घंटों के अंदर जो उनका मेन सोर्स था, जो यानी कि संतोष जो सप्लाई करता था, उसको भी पकड़ लिया गया है। और जो हनुमा कोंडा का एक वीर हयातनगर पुलिस स्टेशन के तटी अनारम में दो ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई। महेश नामी एक शख्स पर इस झड़प के दौरान चाकू से हमला किया गया। महेश को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासरा नौजवान की मां ने कहा कि पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, ताहम मोसिर कार्रवाई नहीं की जा रही है। అంతకు ముందు పెళ్లికి పిలిచిరు అంతా మాట్లాడారు, అంత 6 నెలలకు ముందు చిన్న చిన్న లొల్లిలైనాయి. వాళ్ళు ఏం చేసిరు, మా కామరా మీద ఎమరా మనం ఫ్రెండ్స్ లేకుందాం అని చెప్పి పిలిచిరు అందరినీ. పిలిచి అందరితో మాట్లాడి తిని చేసినాము. నైట్ భరత్కి ఫోన్ చేసి పిలిచిరు ఆడ వైనంగా తాయిపించిరు అంతా చేసినాము. మంచిగా మాట్లాడారు, స్వారీ చెప్పారు, ఇన్ని గొడవలైనా కదరా మన అందరం దోస్తులేమే అని చెప్పారు. అంతా చేసిరు, అంతా చేసినాక నమ్మిచ్చేసిరు. భరత్ డ్యాన్ చేసినాం, మళ్ళా మాయన్న అని ఒక ఆయననే వేసుకొని పోయారు. మేము ఎంబటే పోయినాక అడగడంగా కొద్దిసేపు మాట్లాడి ఒకటేసారి 30 అటాక్ చేసేసారు. రాళ్ళు కట్టెలు సీజలతోనే అటాక్ చేసిరు. మేము నిన్న కేసు పెట్టినాము, నిన్నటి నుంచి కేసు పెట్టినాము. ఈరోజు వైపు ఎస్ఐ సేతో అందరితో మాట్లాడినాము, ఇంతవరకు రెస్పాన్స్ ఏం లేదు. మాకు న్యాయం జరగాలని చూస్తున్నాము, ఇంకా బయటనే తిరుగుతురు వాళ్ళు. ఇంతవరకు ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలా మీద సార్? నిన్న పోయి నిన్న మొన్న కొట్టిరు మా అబ్బాయిని, మర్డర్ కేసు కింద ఫోన్ చేసి పిలిపించారు సార్. పిలిపించారు, నిన్న పోలీస్ స్టేషన్ పోయిన కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం, సిఐకి గెలిచినాం, ఎస్ఐకి గెలిచినాం. పొద్దున चंदानगर में पार्क की हुई एक कार में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। मुकामी अफराद की तरफ से आग पर काबू पाया गया, ताहम आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। रंगारेड्डी ज़िले कुंदकूर मंडल वासरापल्ली गांव के फार्म हाउस से खातून की लाश खून में लथपथ दस्तियाब हुई। बताया गया है कि जुमे की रात ये वाक़या पेश आया। मकतूला शैलजा रेड्डी अपने शौहर नरेंद्र रेड्डी के साथ फार्म हाउस में काम किया करती थी। रात 9 बजे जब शैलजा अपने कमरे में अकेली थी, नामालूम अफराद ने उसका कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े पर पहुँची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि हमलावरों की तलाश जारी है।
रचाकुंडा पुलिस ने बाबा सुखतला पर कार्रवाई करते हुए हीरोइन के मुंतकली और खरीदो फरोख्त के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस तीन अफराद को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने बताया कि जुमला 10 ग्राम हीरोइन जब्त की गई है और इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है और तहकीकात में भी पेशरफ्त जारी है। एंटी ड्रग्स ड्राइव है उसके दूसरे भाग में हमारे एसओटी डीसीपी मुरलीधर साहब और इंस्पेक्टर सुधाकर साहब ने एक इंफॉर्मेशन के तहत 10 ग्राम हेरोइन जो कि एक हाईली सिंथेसाइज्ड ड्रग है और बहुत डेंजरस ड्रग है उसको पकड़ा गया है। उसके मुताबिक कुछ खबरें अभी तक आ चुकी हैं, तकरीबन 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। उस नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते हुए कुछ और लोगों को भी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन है उनको पकड़ने के लिए टीम गोवा रवाना की जा चुकी है। बहुत जल्दी ये कंप्लीट नेटवर्क को करेंगे और आगे आने वाले दिनों में किसी भी एक कोने में ड्रग्स रहना नहीं, इस इरादे से काम करते हुए यहाँ के यूथ के जो फ्यूचर है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। उसमें आप सब लोगों के जो ताऊ है उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपील करता हूँ यूथ से भी कि आगे आगे इस सिलसिले में हमें इंफॉर्मेशन। मुगलपुरा पुलिस ने कमसीन बच्ची के साथ नाशायस्ता सलूक करने और उसे जिंसी तौर पर अजियत देने के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुगलपुरा पुलिस के मुताबिक 2 मार्च को कमसीन बच्ची स्टेशनरी पर सालगिरह तकरीब के लिए सजावटी अशिया लेने गई थी कि इस दौरान 44 साल दुकानदार रजाक ने लड़की के साथ नाशायस्ता सलूक किया। 3 मार्च को जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने अपनी वालदा को ये सारी बात बता दी तब फौरी इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बदंगपेट मेयर बी नरसिम्हा रेड्डी ने सरूनगर के लवेला स्कूल में साइंस फेयर एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह खिताब करते हुए उन्होंने तुलबा से कहा कि मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में साइंस में तालीम हासिल करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने स्कूल के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए बताया कि इस तरह के साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाते हुए तुलबा में काबिलियत पैदा की जानी चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। సైన్స్ ఫెస్టివల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. గత 40 ఇయర్స్ నుంచి సరూనగర్లో ఉన్నతమైన విద్యను అందిస్తూ పిల్లల్ని ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో ప్రోత్సహిస్తూ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా స్పోర్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ దానికి సంబంధించినట్టు ఈరోజు సైన్స్ ఫేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చిన దేవభాస్కర్ రెడ్డి అన్న, చెల్లా నరసింహారెడ్డి అన్న, మా మేడం గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తూ పారిజాత మేడం గారికి అందరికి ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ చెప్తూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. बीजेपी कायद महिपाल रेड्डी और उनके हामियों ने हफ्ते के रोज बीआरएस काउंसलर गटकसर वार्ड नंबर 3 बी गीता के दफ्तर पर हमला करते हुए फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। बीआरएस कॉरपोरेटर बी गीता ने पुलिस में इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि बीजेपी कायद सियासी मुकाबले में पीछे हैं, इसी वजह से उनको खौफ दिलाने की खातिर उनके दफ्तर पर हमला किया गया। पुलिस ने बीजेपी कायद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हमारी नई उम्मीद रज़ाकारना तंजीम की जानिब से वुमेंस डे की मुनासिबत से इतवार 5 मार्च को ग्लोबल ग्रामर स्कूल NBT नगर रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम किया जा रहा है। तंजीम की सरबरा
दीबातली रॉय के मुताबिक कई अहम शख्सियतें स्कैम को अपना तआवुन पेश कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस स्कैम का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इश्तराक से मस्कुरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि मस्कुरा तंजीम का क़याम 25 साल कबल मोहम्मद मजहर जमाल की जानिब से किया गया था, ताहम अब इस तंजीम को उनके अलावा दीना अली खान और तहा यासमीन चला रही हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ अवामी भलाई और फलाह के काम किए जा रहे हैं। कई अहम शख्सियात ने अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए मस्कुरा कैंप को कामयाब बनाने की अपील की है, जबकि इस सिलसिले में एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया। हेलो, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे 5 मार्च के यानी कि कल के ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे पूरे मेंबर्स, सपोर्टर्स और डोनर्स के कंट्रीब्यूशंस और एफर्ट्स को देखते हुए मेरे जैसे नौजवानों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम भी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाए। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि कल का इवेंट सक्सेसफुल और कामयाब हो, एंड विशिंग ऑल द वुमेन ऑफ हमारी नई उम्मीद एज वेल एज ऑल द वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हेलो दोस्तों, मैं मेहराज मलिक दोहा खतर एक जरूरी इत्तला के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 5 मार्च 2023 बरोज इतवार ग्लोबल ग्रामर स्कूल बंजारा हिल रोड नंबर 12 पर हमारी उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्लड बैंक का इनेकाद अमल में आ रहा है। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर जरूर तशरीफ लाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केवी जानी। हमारी नई उम्मीद इस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ब्लड बैंक कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जो 5 मार्च यानी संडे के दिन होगा। ग्लोबल ग्रामर स्कूल बंजर हिल्स रोड नंबर 12 पर आप जरूर तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी नई उम्मीद की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जा रहा है बंजारा हिल्स पे ग्लोबल स्कूल में। हमारी नई उम्मीद तंजीम की जानिब से हो रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट यह है कि आप अपना ब्लड डोनेट करें, जाएं वहाँ पे। 5 मार्च को हो रहा है, 5 मार्च संडे को सुबह 9 AM to 3 PM के दरमियान कभी भी जा सकते हैं आप। तो जानते हैं हम, कभी आप 11 बजे चले जाएं, 12 बजे चले जाएं, लेकिन जाएं और किसी गरीब की लाइफ सेफ करें ताकि आपको भी इसका अजर मिले। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जमहूरियत में बुलेट से ज़्यादा बैलेट की ताकत होती है, अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू का हन्नम कुंडे में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। रियासती वजीर KTR ने हल्के असम्बली मुशीराबाद पहुंचकर तामीरी कामों का लिया जायज़ा। रियासती वजीर की अचानक आमद पर मुकामी कायदीन और GHMC अमला हैरतज़दा। रियासत तेलंगाना में इख्तदार हासिल करने के लिए BJP की हिकमत अमली, मरकजी वज़ीर दाखला 12 मार्च को करेंगे रियासत का दौरा। टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन के बारे में सेंटर टीम जायजा लेगी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ, मुतालिका हलकों एंड डिविजन्स में इकदाम जारी। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा और नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस महिला मोर्चा ने मुनज़िम किया धरना। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला KCR के खिलाफ की गई नारेबाजी। 40 करोड़ की लागत से MNJ कैंसर हॉस्पिटल के नए ब्लॉक की तामीर मुकम्मल, 13 मार्च को किया जाएगा इफ्तिताह। रच्चाकुंडा पुलिस ने हीरोइन की मुंतकली और खरीदो फरोख्त के रैकेट को किया बेनकाब, 3 अफराद जेर हिरासत। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई।
नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।